Hello friends, how are you doing? Hope you all are fine. I'm Sheikh Farzan Ali. Welcome you all to my new video. Friends, our today's video lecture is on poetic device, or which is also known as figure of speech. So friends, figure of speech is the most important thing in poetry. Without figure of speech, without a poetic device, or it is also called as ornament, without ornament a poetry cannot be completed. For effect, for eye catching or catching the readers, poets are using figure of speeches, and that is also called ornaments. We all know that ornaments are the enhancer for the beauty. तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम जानते हैं कि ऑर्नामेंट्स, जिसे हम ज्वेलरी भी कहते हैं, तो वो क्या होता है कि हमारा सौंदर्य को बढ़ाने के लिए काम में आता है. तो वैसे ही पोइट्री में पोइट्स जो होते हैं, पोइट्रिस्ट जो होते हैं, वो फिगर ऑफ स्पीच का यूज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि पोइट्री एक लुक्रेटिव आता है. तो पोइट्री रीडर कैचिंग होता है. तो वैसे ही हम कुछ पोइट्री के सेगमेंट में जो फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है, जो कि स्पेशली हमारे ओडिशा बोर्ड के सीएचएसई स्टूडेंट के लिए फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर इंग्लिश पोइट्री में जो सब फिगर ऑफ स्पीचेस आया हुआ है, उसे हम इकट्ठा करके आज डिस्कशन करेंगे. तो फ्रेंड्स, हम देखेंगे कि पहले कौन कौन सा सो फिगर ऑफ स्पीच हमारे ओडिशा बोर्ड के इंग्लिश स्टूडेंट के लिए इंग्लिश सिलेबस में प्रेजेंट है, जो कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर सीएचएसई ओडिशा बोर्ड के स्टूडेंट के लिए, जो कि इनविटेशन वन है, जिसमें कि पोइट्री सेगमेंट है, उसमें जो 10 पोइट्रीज हैं सिलेबस में फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में, उनमें से ए सब फिगर ऑफ स्पीच है. जैसे कि पहले है सिमिली, नेक्स्ट मेटाफर है, थर्ड है एलिटरेशन, फोर्थ इज पर्सोनिफिकेशन, फिफ्थ इज सिंबल, देन एग्जासरेशन, देन हाइपरबोल, देन सिनेकडॉग, देन लिटोटिस, ऑक्सीमोरन, एम्जामेंट एंड रिफ्रेन. तो ये जो सब फिगर ऑफ स्पीच है, इसे हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे, देखेंगे कि ये कैसे इसका डिस्क्रिप्शन होता है. तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं कि पहला फिगर ऑफ स्पीच जो है सिमिली, उसका डिफिनेशन देखते हैं और उसे कैसे यूज किया जाता है और उसका एग्जाम्पल क्या है, हम अब देखेंगे. तो फ्रेंड्स, जो सिमिली होता है, ये कंपेरेटिव डिवाइस होता है, जिसमें कि दो अलग अलग चीज को कंपेयर किया जाता है. दो अलग अलग चीज जो कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें समान हो सकता है कि सेम हो सकता है, तो वैसे चीज को हम जब कंपेयर करते हैं तो उसे सिमिली कहा जाता है. देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या है. तो सिमिली का डेफिनेशन है, इट इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच वी कंपेयर टू डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स विथ द हेल्प ऑफ एज, लाइक एंड सो. तो फ्रेंड्स, ये एक कंपेरेटिव डिवाइस है, जिसमें कि हम दो अलग अलग चीज, दैट मींस के डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स, अलग अलग चीज को हम कंपेयर करते हैं, उसमें कुछ लिंकिंग डिवाइस लगेगा, जैसे कि एज, लाइक और सो. ये लगने से, लगकर जो कंपैरिजन होता है दो अलग अलग चीज को, उसे सिमिली कहा जाता है. तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम एग्जाम्पल की ओर चलते हैं, तो देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है. तो फ्रेंड्स, ये जो सिमिली है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल विलियम वॉर्डसवर्थ के पोएम डैफोडिल में हम पा सकते हैं. तो उस पोएम का पहला लाइन जो है, आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड. तो यहां पे पोएट विलियम वॉर्डसवर्थ बोल रहे हैं कि आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड. तो यहां पे पोएट खुद को और खुद के स्टेट को, खुद के जो मेंटल स्टेट है और लोनली स्टेट है, उसे वो कंपेयर करते हैं कि क्लाउड के लोनली स्टेट के साथ कंपेयर करते हैं. आई वंडर्ड, दैट मींस मूविंग एमलेसली, हम कह सकते हैं लोनली, कंप्लीटली एलोन, ही वॉज कंप्लीटली एलोन, मूविंग लाइक अ क्लाउड और एज ए क्लाउड. यहां पे पोएट विलियम वॉर्ड्सवर्थ अपना स्टेट को, लोनली स्टेट को, क्लाउड के लोनली स्टेट के साथ कंपेयर कर रहे हैं, जहां पे कि उन्होंने लिंकिंग डिवाइस लगाया है एज. हम कह सकते हैं ये एक एग्जाम्पल है किसका, कि सिमिली का एग्जाम्पल है, जो कि डैफोडिल पोएम से लिया गया है,
डेफोडिल्स पोएम से लिया गया है, जिसके राइटर हुए हैं, पोएट हैं विलियम वॉर्ड्सवर्थ, वन ऑफ द फेमस नेचर पोएट। ओके, तो ऐसी ही और एक एग्जांपल है इस पोएम में, डेफोडिल पोएम में, कि हमें ये एग्जांपल वन और एग्जांपल टू देखते हैं। डेफोडिल पोएम का सेकंड स्टैंजा जो है, कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन, ये एक एग्जाम्पल है सिमिली का है, जहां पे कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन, दैट मीन्स यहां पे फ्लावर डैफोडिल के चमक को स्टार के चमक के साथ कंपेयर किया गया है, यहां पे एज लगाया गया है। ओके, कंटिन्यूअस दैट मीन्स फ्लावर्स आर कंटिन्यूअसली शाइनिंग, कंटिन्यूअसली ब्लूमिंग लाइक द शाइनिंग स्टार, दैट मीन्स यहां पे पोएट शाइनिंग स्टार के शाइनिंग के साथ फूलों के शाइनिंग को कंपेयर किए हैं, यहां पे एज लगा है। ये भी एक डैफोडिल पोएम का एक सेंटेंस है, एक सेकंड स्टैंजा का, ये है फर्स्ट स्टैंजा का पहला लाइन है, ये सेकंड स्टैंजा का पहला लाइन है डैफोडिल पोएम का। तो वैसे भी और कुछ एग्जांपल है कि अलग पोएम में है जिसे हम देखेंगे, जैसे कि ऑफ्ट इन द स्टिली नाइट एक पोएम है जो कि फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए है, उड़ीसा बोर्ड CHSE उड़ीसा बोर्ड के स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए है। उसमें पोएट कह रहे हैं आई फील लाइक वन, आई फील लाइक वन। तो यहां पे पोएट खुद के स्टेट को आई फील लाइक वन, खुद को वन के साथ कंपेयर करते हैं, जहां पे कि उन्होंने लिंकिंग डिवाइस लाइक लगाया हुआ है, लाइक लगाकर वो खुद के स्टेट को वन के साथ कंपेयर कर रहे हैं, आई फील लाइक वन। तो ये ऑफ्ट इन द स्टिली नाइट, जो कि थॉमस मूरे का एक पोएम है, उसमें यहां पे पोएट खुद के स्टेट को कंपेयर कर रहे हैं कि फ्लावर के स्टेट के साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो फिर ऐसे ही और कुछ एग्जांपल हम देखते हैं, और एक एग्जांपल है उसी पोएम से, ऑफ्ट इन द स्टिली नाइट पोएम से। ओके, जहां पे कि थॉमस मूरे बता रहे हैं, एग्जाम्पल फोर हम देखें कि वो कह रहे हैं कि खुद के फ्रेंड को वो कंपेयर कर रहे हैं, फॉल लाइक लीव्स ऑफ विंटरी वेदर। तो यहां पे वो बोल रहे हैं, पोएट बोल रहे हैं थॉमस मूरे, कि वो देख रहे हैं, देख पा रहे हैं कि उनके जो फ्रेंड थे, पोएट के जो फ्रेंड थे, वो सब फॉल डाउन कर रहे हैं, गिर रहे हैं और उन्हें छोड़कर जा रहे हैं, लाइक द लीव्स ऑफ विंटरी वेदर। तो यहां पे वो फ्रेंड को विंटरी वेदर के लीफ के साथ कंपेयर किए हुए, मतलब कि पोएट कंप्लीटली एलोन है, उन्हें छोड़कर उन्हें उनके बहुत सारे दोस्त यार चले गए हैं। तो यहाँ जाने वाले दोस्तों को वो कंपेयर कर रहे हैं जो कि गुजर चुके हैं, मर चुके हैं, उन्हें वो कंपेयर कर रहे हैं फॉलन लीव्स ऑफ विंटरी वेदर के साथ कंपेयर कर रहे हैं। ये कुछ एग्जांपल था कि ऑफ्ट इन द स्टिली नाइट पोएम से था। नेक्स्ट और एक ब्यूटीफुल एग्जांपल है जो कि सेकेंड ईयर स्टूडेंट के लिए है, बालाड ऑफ फादर गिलिगन एक पोएम है, बालाड ऑफ फादर गिलिगन ये पोएम है बाय डब्ल्यू वी येट्स। वहां पे बोल रहे हैं पोएट डब्ल्यू वी येट्स बोल रहे हैं कि जब पीटर गिलिगन वहां पे एक होते हैं कि प्रिस्ट होते हैं, वो जब जाते हैं कि एक सिक मैन के पास जाते हैं पूछने की, उसकी पूछ पड़ताल करने जाते हैं कि उसे उसका कंडीशन कैसा है, उसका सेहत का कंडीशन कैसा है, वहां पे वो सिक मैन की वाइफ बोल रही है ही डाइड एन आवर एगो एज मेरी एज ए बर्ड, एज मेरी एज ए बर्ड, मतलब कि
वो कह रहे हैं यहाँ पे कि उनकी वाइफ कह रही हैं कि पीटर गिलिगन को कि वो तो गुजर गए कैसे, पंछी के जैसे, पंछी के जैसे, जैसे पंछी आकाश में गगन में उड़ रही है मेरी मेकिंग करके, मतलब खुशियों से उड़ रही है, वैसे ही उनका लाइफ मतलब कि उनका आत्मा शरीर से अलग हो गया, खुशी खुशी अलग हो गया एज मेरी एज ए बर्ड। यहाँ एक कंपैरिजन है, जैसे कि हम कह सकते हैं सिमिली के माने होता है हम किसी के साथ जैसे कंपेयर करते हैं, जैसे हम बोल सकते हैं कि ये चीज़ उस जैसा लग रहा है, तो वहाँ पे इसे सिमिली कहा जाता है, मतलब कि वो अपने शरीर से उनका आत्मा निकल गया जैसे कि एक पंछी की तरह, पंछी जैसे खुशी खुशी गगन में घूम रही है उड़ रही है, वैसे ही उनके शरीर से उनका आत्मा निकल गया। ये एक एग्जाम्पल है किसका, सिमिली का एग्जाम्पल है। ओके, और एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, अनदर पोएम साम ऑफ लाइफ, साम ऑफ लाइफ, ये भी सेकेंड ईयर प्लस टू सेकेंड ईयर स्टूडेंट के लिए है, उड़ीसा बोर्ड के स्टूडेंट के लिए है। तो यहाँ पे पोएट एच डब्ल्यू लॉन्ग फेलो कह रहे हैं, लाइक मफल ड्रम्स आर बीटिंग, लाइक मफल ड्रम्स आर बीटिंग फ्यूनरल मार्चेस टू द ग्रेव। ओके, यहां पे इसके पहले है स्टिल, लाइक मफल ड्रम्स आर बीटिंग फ्यूनरल मार्चेस टू द ग्रेव। ओके, यहां पे मफल ड्रम कहा गया है, कंपेयर किया गया है कि एंड, ओके, स्टिल लाइक मफल ड्रम्स आर बीटिंग, मतलब के लाइफ के अंतिम घड़ी को, जो कि मृत्यु हम कह सकते हैं, डेथ को हम कह सकते हैं, वहां पे कंपेयर किया गया है मफल ड्रम्स के साथ किया गया है, और लास्ट सॉन्ग ऑफ लाइफ को यहाँ कंपेयर किया गया है, यहाँ पे लाइक लगाया गया है। ये पोएम है साम ऑफ लाइफ से लिया गया है। ओके, और एक एग्जाम्पल है, ओके, फिशिंग एक पोएम है, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट का है, जो कि स्टूडेंट के लिए है, गोपरंजन मिश्र उड़ीसा के पोएट हैं, उन्होंने लिखा है। उसमें एक पहला लाइन है, लाइक सीजन्ड एंगलर डॉट डॉट डॉट, उसके बाद भी कुछ है, लाइक सीजन एंगलर श्योर ऑफ हिज फीट। यहां पे पोएट गोपरंजन मिश्र खुद को सीजन एंगलर के साथ कंपेयर कर रहे हैं, मतलब कि वो मछली पकड़ने जा रहे हैं, फिशिंग करने जा रहे हैं। सीजन एंगलर हम कह सकते हैं जो मछली पकड़ने वक्त जो कांटा होता है, तो इसे कहा गया ऐसी किस्म का जो कांटा होता है मछली पकड़ने का, ओके, हुक जो होता है उसे सीजन एंगलर कहा जाता है। तो वो खुद को एंगलर के साथ कंपेयर किया, सीजन एंगलर हम और एक चीज कह सकते हैं, मोस्ट एक्सपीरियंस कह भी सकते हैं, मतलब कि इस हुक का काम होता है कि वो श्योरली मछली पकड़ेगा। तो वैसे ही पोएट खुद को कंपेयर कर रहे हैं, एंगलर के साथ कंपेयर कर रहे हैं कि वो मछली पकड़ने जा रहे हैं, श्योरली वो कुछ ना कुछ पकड़ के लेके आएंगे। तो यहाँ पे उनका खुद का मछली पकड़ने का एक्सपीरियंस हो सकता है कि खुद को उसके साथ कंपेयर करते हैं, ये हम कह सकते हैं, ये कंपेरिजन एक टाइप का है। तो दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सिमिली, और भी ऐसे बहुत कुछ एग्जाम्पल हैं और भी पोएम में, जैसे कि हम और एक ले सकते हैं, टू माई ट्रू फ्रेंड, ये फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए है, टू माई ट्रू फ्रेंड, उसमें सोल यूज करके पोएट ने एक सिमिली का यूज बताया हुआ है कि योर स्माइल सो स्वीट, सो ब्राइट, योर स्माइल सो स्वीट सो ब्राइट। तो यहां पे पोएट खुद के फ्रेंड के, योर स्माइल जो कहा गया है, स्माइल कहा गया है, अपने फ्रेंड का स्माइल को वो स्वीटनेस और ब्राइटनेस के साथ कंपेयर करते हैं, सो यूज किए हैं, योर स्माइल सो स्वीट सो ब्राइट। ये भी एक फिगर ऑफ स्पीच सिमिली यूज किया गया है। उसी पोएम में और एक लाइन है जहां पे
सिमिली का इस्तेमाल किया गया है कि योर डे वॉज एज डार्क एज नाइट, डे वॉज एज डार्क एज नाइट. ओके, वही टू माई ट्रू फ्रेंड जो कि एलिजाबेथ पिनार का लिखा हुआ ये कविता है, तो उसमें पोइट्रेस कह रही हैं कि डे वॉज एज डार्क एज नाइट, मतलब पोइट्रेस खुद का दिन को डार्कनेस ऑफ द नाइट के साथ कंपेयर कर रही हैं, डार्कनेस ऑफ द नाइट के साथ खुद के डे को कंपेयर करते हैं, मतलब कि व्हेन शी वॉज कंप्लीटली अननोन, व्हेन शी वॉज कंप्लीटली फ्रस्ट्रेटेड एंड फेल्ड इन हर लाइफ, दैट टाइम ही सेड दैट शी शेड दैट हर डेज वॉज एज डार्क एज नाइट, मतलब कि दिन को वो रात के अंधेरे के साथ कंपेयर कर रही हैं एज लगा के. तो फ्रेंड ये कुछ थे एग्जाम्पल्स, थे सिमिली के एग्जाम्पल थे जिसमें कि हम कुछ डिफरेंट डिफरेंट थिंग को हम कंपेयर करते हैं कि जैसे कि एज लाइक और सो लगा करके कंपेयर करते हैं. तो फ्रेंड्स फिर हम चलते हैं कि नेक्स्ट डेफिनेशन के ओर चलते हैं, जो नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच की ओर चलते हैं जो कि हमारा मेटाफर है. तो फ्रेंड्स मेटाफर के ओर चलते हैं, देखते हैं मेटाफर. मेटाफर का एग्जाम्पल डेफिनेशन देखते हैं, सेम डेफिनेशन है जहां पे कि सिर्फ और सिर्फ जहां विथ लगा है वहां विदाउट लगेगा. इट इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच वी कंपेयर टू डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स, यहां पे विदाउट होगा, विदाउट विदाउट द हेल्प ऑफ एज लाइक सो. जैसे कि हम सिमिली में हम कह रहे थे ये चीज उस जैसा लग रहा है, तो मेटाफर में होता है कि ये चीज वो है, इसे मेटाफर कहा जाता है. कि यहां पे डेफिनेशन में देखो कि यहां पे हम कुछ चीज को कंपेयर करेंगे जो डिफरेंट डिफरेंट चीज होगा, डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स होगा, चीज होगा जिसमें कि हमें एज लाइक एंड सो लगाना नहीं पड़ेगा. जैसे कि एक सिंपल सा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि He is a tiger. वो बाघ है. और he is a, हम lion ले सकते हैं, बोलते हैं he is a lion, मतलब कि उसे हम lion के से कंपेयर किए. यहां पे brevity को कंपेयर किया जाता है, bravery और brevity को कंपेयर किया जाता है. उस बंदे का जो ताकत है वो lion के ताकत के जैसे है, मतलब कि वो लायन है, मतलब कि उसका जो ताकत है वो लायन के ताकत है. तो यहां हम कह सकते हैं ही इज ए लायन, इट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मेटाफर. तो मतलब कि मेटाफर जो होता है यहां पे देखिए कि कुछ लिंकिंग डिवाइस एज लाइक और सो कुछ भी नहीं लगा हुआ है, तो सिंपली है ये ही इज ए लायन हम ये कह सकते हैं, इट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर. वैसे भी और कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि हमारा डैफोडिल पोयम में एक एग्जांपल है मेटाफर का, दो एग्जांपल है मेटाफर के. डैफोडिल पोयम जो कि सेकेंड ईयर स्टूडेंट के लिए है, तो उसमें एक थर्ड लाइन में है गोल्डन डैफोडिल, पोएट कह रहे हैं डैफोडिल को गोल्डन डैफोडिल. गोल्डन डैफोडिल दैट मींस यहां पे डैफोडिल के कलर को कहा गया है, डेफोडिल के कलर को कहा गया है गोल्डन कहा गया है. डेफोडिल का कलर गोल्ड के कलर जैसा है, गोल्ड का कलर है, मतलब जैसा नहीं है, गोल्ड का कलर है. डेफोडिल का कलर गोल्ड का कलर है, मतलब गोल्ड इज ए येलो इन कलर, तो लाइकवाइज डेफोडिल्स आर आल्सो येलो इन देयर कलर. तो वैसे और एक एग्जांपल है उसी डेफोडिल पोएम में, थर्ड स्टंजा के लास्ट लाइन है व्हाट वेल्थ, What wealth the show to me had brought? What wealth the show to me had brought? यहां पे के जो डेफोडिल पोएम में विलियम वॉर्ड्सवर्थ जो हैं वो अकेले घूम रहे हैं, मतलब कि वो बहुत दुखी हैं,
मतलब कि हम कह सकते हैं एक दुखी इंसान के लिए खुशी जो होता है वो बहुत मायने रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे पोएट जो कह रहे हैं, जो डांसिंग ऑफ डैफोडिल को वो शो कह रहे हैं, तो वो कह रहे हैं वो उन्हें वेल्थ दे गया, मतलब कि वो जो शो को वो वेल्थ के साथ कंपेयर करते हैं, मतलब कि ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे हैप्पीनेस को कंपेयर किए हैं, वेल्थ के साथ कंपेयर किया गया है, मतलब कि वो जो खुशी उन्हें महसूस हुआ डांसिंग फ्लावर को देखकर, उन्हें जो खुशी महसूस हुआ, तो वो खुशी विलियम वॉर्ड्सवर्थ के लिए कोई भी पैसे से, कोई भी धन से भी कम नहीं था। तो ये हम कह सकते हैं ये एक एग्जांपल है। वैसे और एक एग्जांपल हम ले सकते हैं कि हमारे प्रेस्क्राइब पोएम्स के लिए लिख सकते हैं, जो कि सम ऑफ लाइफ है। एच डब्ल्यू लॉन्ग फेलो का वो पोएम है, तो ये एक पोएम है एच डब्ल्यू लॉन्ग फेलो का पोएम है, जिसमें कि पोएट कहते हैं लाइफ इज बट एन एम्प्टी ड्रीम्स, लाइफ इज बट एन एम्प्टी ड्रीम्स। यहां पे पोएट कह रहे हैं कि क्या जिंदगी, यहां साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा है, क्या जिंदगी एक एम्प्टी ड्रीम है। तो यहां पे कंपेयर किया गया है लाइफ को एम्प्टी ड्रीम के साथ कंपेयर किया गया है, जैसे कि हम डेफिनेशन में देखे हैं कोई भी एज लाइक एंड सो नहीं लगा हुआ है, यहां पे लाइफ कंपेयर किया गया इटसेल्फ, ओके, ड्रीम्स के साथ कंपेयर किया। और एक छोटा सा हम कह सकते हैं कि ये मतलब कि जो मेटाफर है इसे हम इंप्लाइड सिमिली भी कह सकते हैं, इंप्लाइड Implied simile, मतलब कि छुपा हुआ simile भी हम कह सकते हैं, जैसे कि मैंने पहला example लिया था He is a lion, यहां पे एक चीज छुपा हुआ है, क्या था वो, bravery, हौसला, जो कि इंसान का हौसला जो कि छुपा हुआ था, implied होकर था, उसे कंपेयर किया गया है, लायन के साथ कंपेयर किया गया है। तो ये एक इंप्लाइड हम कह सकते हैं, बहुत सारे चीज में जैसे हम डिस्कस किए वहां कुछ कुछ चीज छुपा हुआ रहता था, जैसे कि वेल्थ कंपेयर किया गया है, हैप्पीनेस के साथ कंपेयर किया गया है, तो वहां पे हैप्पीनेस छुपा हुआ रहता था, इंप्लाइड होकर रहता था, अंडर कवर रहता था, कवर होकर रहता था। तो वैसे ही इसको हम इंप्लाइड सिमिली भी कह सकते हैं, मेटाफर इज इंप्लाइड सिमिली, शॉर्ट डेफिनेशन इसका जो होता है, ओके। तो फ्रेंड्स, तो ऐसे ही और एक एग्जाम्पल है टेलीविजन पोएम में, जो कि रोलांड बर्थेस जो लिखे हैं, तो वो सॉरी रोनाल्ड दाल का लिखा हुआ ये पोएम है, सेकेंड ईयर के लिए है। तो वहां पे लिखे हैं कि पोएट कह रहे हैं डू नॉट इंस्टॉल द idiotic thing at all। तो यहां कह रहे हैं पोएट टेलीविजन में गार्डियन लोग को और मतलब के पेरेंट्स लोग को इन्फॉर्म कर रहे हैं कि वार्निंग कर रहे हैं कि खुद के घर में एक idiotic thing को अब इंस्टॉल मत कीजिए, मतलब कि यहां पे idiotic thing जो कहा गया है इसे टेलीविजन को कहा गया है, टेलीविजन को पोएट कह रहे हैं idiotic थिंक बोलकर कह रहे हैं, मतलब जो कि हम इंप्लाइड में था। तो यहां बोले हैं डू नॉट इंस्टॉल द इडियोटिक थिंग एट ऑल, दैट मींस हियर इडियोटिक थिंग मींस टेलीविजन। ही एड्रेसेस, ही सजेस्ट, ही एडवाइसेस द पेरेंट्स एंड द व्हाट लर्नर्स नॉट टू इंस्टॉल दिस इडियोटिक थिंग एट ऑल इन योर होम, बिकॉज बाय सीइंग द टेलीविजन द स्टूडेंट मे और द चिल्ड्रन मे इनवाइट द डिवास्टेशन फॉर देयर लाइफ ऑल्सो। तो ये एक कुछ चीज थे जो कि सिमिली और मेटाफर के बारे में कुछ डेफिनेशन और उसके कुछ एग्जांपल्स थे। होपफुली आपको बेहतर समझ आ सका होगा कि सिमिली किसे कहते हैं और मेटाफर किसे कहते हैं। तो बाकी का और जो सब है कुछ कुछ हम अलग अलग वीडियो में डिस्कशन करेंगे, तो वीडियो लेंदी हो सकता है, इसलिए
कि आपको बोर भी लग सकता है, इसलिए हम पार्ट पार्ट करके मतलब कि नेक्स्ट वीडियो में हम दो या तीन मतलब कि हमारा ये पहला सिमिली और मेटाफर कंप्लीट हो गया, तो हम नेक्स्ट वीडियो में और दो या तीन लेकर हम डिस्कशन करेंगे।